चमेली तुम सिर्फ मेरी हो। अरे भाई आज तो बहुत थक गया, चलो थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। अरे भाई अभी किसका फोन आ रहा है? हेलो कौन? हाँ भाई मुकेश, क्या हाल चाल? अरे भाई सब बढ़िया, तू बता। हाँ भाई मेरा भी सब बढ़िया है, तू बता अपने हाल चाल कैसे हैं? अरे हाँ भाई सब बढ़िया है, सब बढ़िया एकदम। हाँ भाई अच्छी बात है, और अपने हाल चाल सुना। भाई तेरे भेजे का मेमोरी कार्ड थोड़ा कमजोर है क्या? क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, तू भौंक, तूने क्यों फोन किया था? क्या? अरे मेरा मतलब बोल, तूने किस लिए फोन किया था? अच्छा हाँ हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ, बुआ बदमाश हो गई क्या? अच्छा मतलब मम्मी जवान हो गई। अबे ओ क्या बोल रहा है, तेरे को पता है? अब मेरी बात सुन, 2400 घंटे सातों दिन काम कर करके अपना पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के मैं थक चुका हूँ, और तेरे जैसा चमन चटैया पैदाइशी गधा हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को फोन कर देता है। इसलिए चुपचाप जल्दी बता दे तुझे क्या काम है, नहीं तो तेरे घर में घुसकर AK-47 की सारी गोलियां तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। अरे भाई भाई तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो बस तेरे लड़के का रिजल्ट पूछ रहा था। हाँ? कौन सा रिजल्ट, कैसा रिजल्ट? अबे दिमाग से सटिया गया है क्या? आज सेकंड सैटरडे, आज तो छुट्टी है। अरे वो तो मुझे भी पता है, तुम्हारे लड़के ने नहीं बताया आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी? नहीं तो उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, उसने तो सिर्फ इतना बोला कि आज सेकंड सैटरडे है। भाई तुझसे वो अपना रिजल्ट का दिन छुपा रहा है, सोच। छी छी छी। वैसे सच सच बताऊं तो मेरे लड़के की ज्यादा नंबर नहीं आए, सिर्फ 98.2% आए हैं। खैर अब मैं फोन रखता हूँ, वैसे तो मैं बस यहाँ पर चाय पीने के लिए रुका था कैफे में। चल ठीक है बाय। चिंटू हराम खोर, तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चमेली। ये चमेली कौन है? चमेली तुम कितनी खूबसूरत हो। अब तो तुझे सबक सिखाना ही होगा। अच्छी, मेरे नाक के बाल सारे जल गए। हराम खोर, चमेली कौन है? अरे पापा वो कोई नहीं, कोई नहीं। और दूसरी चीज, आज तो तेरा रिजल्ट निकलने वाला था ना? अरे वो चुप, अब मैं तुझे बताता हूँ।